राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय में लंबे समय से सेवा प्रदाता कंपनी के मार्फत तथा MRS के माध्यम से सेवाएं देने वाले कार्मिकों ने भी संविदा सेवा नियम 2022 का लाभ दिए जाने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर कर्मचारियों ने मंगलवार को राज्य के CM अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह के नाम एक ज्ञापन सौंपा। SDM सिंह को दिए गए ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार अपने बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश भर में NHM तथा NRHM के माध्यम से संविदा कार्मिक के रूप में कार्यरत 44,000 संविदा कर्मचारियों के संविदा सेवा नियम 2022 का लाभ देते हुए स्थायी किया जा रहा है, लेकिन उक्त सेवा नियम का लाभ सेवा प्रदाता कंपनी तथा MRS के माध्यम से सेवा देने वाले कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि करीब 10 वर्षों से AKH में कई कर्मचारी सेवा प्रदाता कंपनी तथा MRS के माध्यम से मात्र 6,000 से 8,000 रुपए के मासिक वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्ञापन में कर्मचारियों ने AKH में कार्यरत कार्मिकों को भी संविदा सेवा नियम 2022 का लाभ दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक पारासर, पारुल सांखला, दीपक चौहान, रामू काठा, जितेंद्र तंवर, जयग्वाला, नंदकिशोर सेन, जसवंत नंदी तथा विनोद जैतिया सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय के अंदर संविदा कार्मिक के पद पर कार्यरत है, कोई प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू तो कोई MRS के थ्रू। वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संविदा सेवा रूल्स 2022 के अंतर्गत चिकित्सा विभाग से कार्मिकों को नियमितीकरण किया जा रहा है। उसके अंतर्गत हमारे को दरकिनार करके, क्योंकि हम भी पिछले 10 से 15 वर्षों से यहाँ पर चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और न्यूनतम वेतन पर अपनी सेवाएं देते आए हैं, इसीलिए आज हमने उपखंड अधिकारी महोदय, उपखंड कार्यालय ब्यावर को इस विषय पर ज्ञापन सौंपा है कि हमारी उचित मांगों को, जो कि कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनको भी संविदा सेवा नियम के 2022 के अंदर शामिल किया जाए।